राजधानी लखनऊ लक्ष्य खेल एवं शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र पता धुरदुरी तालाब मुहान रोड लखनऊ एकेडमी के बच्चों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी धूमधाम से किया प्रदर्शन। लक्ष्य एकेडमी के प्रबंधक द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को दी गई बधाइयां और लक्ष्य एकेडमी के प्रबंधक दीपक सर द्वारा सभी बालिकाओं को निःशुल्क एकेडमी परामर्श दिया जाता है और बालक लोगों से लक्ष्य एकेडमी में कम से कम फीस लेकर उन्हें एकेडमी का लाभ दिया जाता है। लक्ष्य एकेडमी के बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी धूमधाम से प्रतियोगिता खेल करने वाले बच्चों के नाम रमन गुप्ता, शिव, धर्म रावत, हरकेश, शिवम, शिवा, दुर्गेश, दीपांशु, विशाल, पवन, युगल किशोर, शगुन, शिवानी यादव, शिवानी रावत, राखी रावत, रचना, सलोनी, मोहिनी, रेशमा, नेहा, पूर्णिमा, लक्ष्मी, प्रिया, रागिनी, आंचल, सीलम, समीक्षा, मानसी यादव एवं इस ट्रेनिंग सेंटर पर ये सभी बच्चे खेल एवं सेनाओं का प्रशिक्षण ले रहे हैं। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन ब्रजेश कुमार के साथ संवाददाता अनिल संसारी की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक वर्मा है। मैंने यहाँ पर जो है एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है जिसमें मैं लड़कियों को और लड़कों को सेना के लिए तैयार करता हूँ और खेल कूद में आगे बढ़ाने के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट स्टेट। आप नारियों को भी आगे ला रहे हैं? नारियों का मेरा घर से निकाल रहे हैं जो मतलब एकेडमी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लड़कियों को आगे बढ़ाना ही है, मेरा यही एकमात्र उद्देश्य। और निःशुल्क कर रहे हैं आप समाज सेवा? निःशुल्क है। और आप कई सालों से कर रहे हैं? अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट किया है, मगर अच्छी पहल है आपकी, क्योंकि आप जो है बच्चों का भविष्य जो है उजागर कर रहे हैं। बच्चे कभी कुछ बनेंगे तो आपको याद करेंगे। अब मैम कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों को इतना कर रहे हैं आप लोग? मैम कुछ तो बोलिए, दो लफ्ज बोलिए, आपका भी कुछ योगदान होगा। आप एकेडमी जो खोले हैं ये बच्चों का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होगा। जी जी। लड़कियों का तो सबसे ज्यादा। जी जी। क्योंकि गांव वाले सोचते हैं लड़कियां नहीं बढ़ पाएंगी। जी जी। ये आप लक्ष्य से लड़कियां बहुत आगे निकलेंगी। लड़कियों को आगे बढ़ाना भी चाहिए, मेरा मानना है। कुछ कहते हैं बच्चों को? बोलना चाहेगा आप? बोलना चाहिए आप? बोलना चाहिए सर। आप कैसे हैं? माय नेम इज आचल मोया, आई स्टडी इन क्लास 10। ये मेरे कोच हैं सर, दीपक सर। ये हम लोग को बहुत ही ज्यादा मेहनत करवाने का और सब कुछ वो करते हैं। हम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। हम लोग स्टेट भी खेल चुके हैं, अभी अभी हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट भी खेला है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है स्टेट के लिए। मैम का नाम क्या है? मैडम 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 जो आपकी मैम की मदर 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 है मदर है मदर आपकी मतलब जो आगे बढ़ाने के लिए आपको फुल सपोर्ट कर रही है, सभी बच्चों की माँ सपोर्ट कर रही है। और कोई बॉय कोई बोलना चाहेगा? बॉय कोई बॉय बोलना चाहेगा? नाम सर मेरा नाम शिवम रावत है। आप कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे कोच बहुत अच्छे हैं सर। आप कोच का नाम रोशन करेंगे? यस सर बिल्कुल। देश में क्या आगे बढ़ने की उन्नति रखेंगे? यस हर संभव मेहनत करेंगे। आप हर संभव मेहनत करेंगे ना? यस सर। और अपने सर का नाम आगे बढ़ाएंगे, संस्था का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। और कोई बोलना चाहेगा? आप क्या नाम है आपका? माय नेम इज तरुण गुप्ता। जी। माय कोच नेम दीपक कुमार। जी सर, मैं अभी ऑलराउंडर खेल के आया हूँ। जी। और मेरा गोल्ड मेडल है। जी जी। और मैं नेशनल खेल के आया हूँ। मेरा मानना है आप बहुत जल्द ही देश में एक बहुत बड़ा ही मेडल जीतेंगे। आपके कोच इतने अच्छे हैं और आपकी जो सोच है आप बच्चों की वो बहुत ही बड़ी है और एक दिन बड़ा ही मुकाम पाएगी। सर को हमने शपथ दिया है इस साल 2021 में वर्दी पहन के दिखाऊंगा। और मेरा भी मानना है मैं इसी जगह फिर मिलूंगा जहाँ पे आप होंगे। मैं आऊंगा, आप मेरा नंबर लीजिएगा। हाँ सर, मेरा नाम स्नेहा रावत है। लक्ष्य एकेडमी से हम लोगों को काफी कुछ प्रोत्साहन मिला है और हम लोग हिम्मत मिली है, साहस मिला है। साहस मिला है क्योंकि गांव के लेवल में जिस तरह से लड़कियों को नहीं आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन लक्ष्य एकेडमी के थ्रू हम लोगों को काफी कुछ मिला है। सभी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, लड़कियों से लड़के बॉय। सर मेरा नाम नेहा है और मेरे सर भी बहुत अच्छे हैं। मुझे तो गांव से आने के लिए भी मना किया जा रहा था और मेरे घर वालों को भी ऐसा कहा जा रहा था कि लड़की को ना भेजो, लेकिन मेरे सर ने मुझे फोन करके बुलाया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं और ठीक है। और मेरे सर ने बहुत हमको सपोर्ट किया। और मैं ये भी कहना चाहूँ, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, नारियों को
बॉय बराबर समझे क्योंकि नारियां सकती हैं, हर चीज में आगे आ सकती हैं, प्लेन उड़ा रही हैं। आज हमारी नारियां जो हैं प्लेन उड़ा रही हैं, सेना में, आर्मी में, पुलिस में भर्ती हैं और काफी जगह हैं। हमारी नारियों को जो है देश में अब आगे बढ़ के हिस्सा दिया जाए और देश में उनका मान सम्मान जो है हमेशा ऊंचे लेवल पे दिया जाए, और मेरा यही कहना है सभी लोगों से। एक साथ सभी लोग बोलेंगे जय जय।